अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आ जाओ, कोई बात नहीं, पैकिंग वालों को ना मैं अपने साथ लेकर आई। अब यहाँ से कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता है, कौन सी मंजिल है, ये सब ना रास्ते में ही डिसाइड कर लेना। तुम लोगों की कम से कम पैकिंग में तो मैं मदद कर ही सकती हूँ, इतनी हेल्प तो बनती है ना। मिस्टर खन्ना, आपने आने में देर कर दी, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? आप लोगों को पता तो है ना कि यहां पर क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, बता तो मैंने दिया ही था तुम्हें। अर्जुन, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी बात मान लो, अगर मेरी बात मान लेते तो आज ये सिचुएशन नहीं होती, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। ये जमीन, ये जायदाद, सब कुछ मेरी बहन निधि का है। रोड पर क्योंकि ये घर, शेयर्स, फैक्ट्री सब कुछ निधि की कंपनी के नाम पर है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये सब कुछ निधि का हुआ। निधि, तुम्हें कुछ बैक स्टोरी नहीं पता है। अर्जुन प्लीज, निधि के सामने गिड़गिड़ाने से, उसके सामने कोई भी सफाई देने से ना कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने क्या किया? प्रीता और मुझ में से जब चुनने की बारी आई तो तुमने प्रीता को छोड़ा। कुछ तो फिर भूख तो। अंजलि, तुम्हें क्या लगता है, तुम ये प्रॉपर्टी, ये घर सब कुछ लेने की धमकी दोगी या सब कुछ हड़प लोगी तो हम तुम्हारे आगे हार जाएंगे, तुम्हारे पैरों में गिड़गिड़ाएंगे, या तुम्हारा करण पर हक हो जाएगा? नहीं, जीने के लिए पैसों से ज्यादा साथ की और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। तुम पैसे ले लो, हम साथ के साथ जी लेंगे। प्रीता जी, निधि जी, मैं नहीं जानता हूं कि इन्होंने आपसे हमारे बारे में क्या कहा, और ना ही जानना चाहता हूं, पर आपको देख के इतना तो कह सकता हूं कि आपके अंदर इतनी इंसानियत तो है कि आप पहचान सकते हैं कौन सही है और कौन गलत। मेरा परिवार है और हम कई सालों के बाद एक साथ हुए हैं। कुछ वक्त चाहता हूं, ऐसे मोमेंट पे मैं आर्ग्यूमेंट नहीं चाहता, झगड़ा नहीं चाहता, आप शब्द नहीं चाहता। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे निधि, मुझे तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, तुमने मेरे लिए वो किया है जिसके लिए मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी आभारी रहूंगी। तुम्हारा एहसान तो मैं कभी नहीं चुका सकती, तुमने मेरे करण की जान बचाई है, तुम उसे मेरे पास वापस लाई हो, थैंक यू। मेरा करण मत बोलो तुमसे। मैं जानती हूं कि तुम्हारी शादी हो गई है, लेकिन उससे पहले ना इसकी एंगेजमेंट मेरी बहन के साथ हुई है।
और जो बात हुई थी ना उसके अकॉर्डिंग ये 15 दिन में वापस आने वाला था, लेकिन तुमने तुमने उसे यहाँ पर फंसा दिया, यहाँ पर अटका दिया अपने साथ। शराब अंजलि। हाँ मेरी निधि के साथ सगाई हुई थी, लेकिन निधि तुम भी ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि उस वक्त मेरी याददाश्त नहीं थी। निधि इतना तो तुम समझ ही सकती हो ना, जब तुम्हारी सगाई हुई तो करण को कुछ भी याद नहीं था, अब जब उसे सब कुछ याद आ गया है, वो अपने असली परिवार में आ गया है, तो क्या वो अपनी जिंदगी छोड़कर तुम्हारे साथ जिएगा? नहीं ना, वो अपनी जिंदगी जिएगा। अब इसके लिए तुम्हें उससे शिकायत तो नहीं होनी चाहिए। इस सारी प्रॉब्लम की जड़ ना मैं ही हूं। पहले मैंने इसे अपने बॉयफ्रेंड का चेहरा दिया, उसके बाद उसी चेहरे से मैंने प्यार कर लिया। एक्चुअली इट्स ऑल माय फॉल्ट। इससे अपनी आइडेंटिटी छीनकर किसी और की आइडेंटिटी दे दी। एंड यस अंजलि, मैं हूं पोजेसिव। पोजेसिव थी अर्जुन के लिए, मेरे अर्जुन के लिए। ये तो मेरा अर्जुन है ही नहीं, एक करण लुथरा है। इस खानदान का बेटा। Really very sorry. मेरी वजह से ये सारी confusions create हुई. Sorry. Z5 app download करें और देखें सारे episodes बिल्कुल free.